नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात पाने के संबंध में। सेक्स एक ऐसी समस्या है दोस्तों, सेक्स नहीं, ये कहें कि सेक्स संबंधी समस्याएँ ऐसी हैं जो लगभग हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आ ही जाती हैं, कैसे न कैसे, क्योंकि हमारा शरीर जैसे है वो कभी न कभी किसी न किसी रोग से ग्रसित हो ही जाता है। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, ठीक इसी प्रकार से ये भी है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं होती है, यानी कि जानकारी नहीं होती, चूँकि हमारा हम बचपन से जैसे माहौल में पलते बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें बताया या शिक्षा नहीं दी जाती है इसकी, या फिर इसको कई जगह पढ़ना बुरा माना जाता है कि सेक्स संबंधित बुक पढ़ना, तो बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं हो पाती है और वो आगे चल के गलती करते हैं या फिर कुंठित हो जाते हैं। उनके मन में अवधारणाएं बैठ जाती हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, चूँकि उन्हें उसकी समुचित जानकारी नहीं होती है, उनको नॉलेज नहीं होता है, फिर वो समस्या में रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इस टॉपिक पर बात करना बहुत खुला नहीं माना जाता है, सभी लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग शाही किस्म के होते हैं, वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाते हैं और फिर उनकी समस्या वास्तव में होती है और वो बहुत बढ़ती जाती है। किसी की समस्या न होते हुए उनके मन में इतनी कुंठा बैठ जाती है, वो बात घर कर जाती है कि उन्हें प्रॉब्लम लगने लगती है और उस प्रॉब्लम से ज़्यादा उनकी मानसिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है इस वजह से। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो एकाकीपन का जीवन जीते हैं, यानी कि किसी से बात करना इस टॉपिक पर पसंद नहीं करते हैं, पर ये जानना चाहते हैं ज़रूर कि हमें समस्या है तो किस प्रकार से निजात पाएं, उनके लिए हमने खास करके ये कड़ी स्टार्ट किया है दोस्तों, सेक्स संबंधित समस्याओं से कैसे पाएं निजात। अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें मेल कर सकते हैं आप, हम आपकी समस्याओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के हमारे श्रोता की मेल को लेते हैं, इनका क्या कहना है देखते हैं। इनका कहना है, मुझे अनेक बार ऐसा लगता है कि शीघ्र पतन के कारण मेरे यौन संबंधों में बाधा आ रही है। मैंने देखा है कि जब कभी मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ तो अपनी पत्नी से अधिक सफलतापूर्वक मैथुन कर लेता हूँ। क्या इसका कोई शारीरिक कारण है? जी हाँ दोस्तों, एक बार और गौर से पढ़ते हैं इनके क्वेश्चन को। इनका कहना है, मुझे अनेक बार ऐसा लगता है कि शीघ्र पतन के कारण मेरे यौन संबंध में बाधा आ रही है। मैंने देखा है कि जब कभी भी मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ तो अपनी पत्नी से अधिक सफलतापूर्वक मैथुन कर लेता हूँ। क्या इसका कोई शारीरिक कारण है? मित्र, बहुत से मूत्र रोग विशेषज्ञों का मानना है कि जिन व्यक्तियों को शीघ्र पतन की शिकायत होती है उनके लिए 30 ml मात्रा में मदिरा का सेवन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यौन तंत्रिकाओं पर अल्कोहल का उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार दबाव, चिंता आदि अन्य परिस्थितियों का पड़ता है। कुछ विशिष्ट रोगियों के लिए शराब औषधि का काम करती है, विशेषतया उन रोगियों के लिए जो प्रतिबंध तथा तनाव की स्थिति में रहते हैं। शराब उन्हें प्रतिबंध तथा तनाव से मुक्त कर देती है, लेकिन यह तभी लाभदायक होती है जबकि थोड़ी मात्रा में ली जाए। यदि बहुत अधिक मात्रा में शराब ली जाए तो इसका परिणाम हानिकारक होता है और यौन क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है या हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शराब सेवन का प्रभाव सब व्यक्तियों पर एक सा नहीं पड़ता, अलग अलग व्यक्तियों पर इसका प्रभाव उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। कुत्तों पर इसका प्रयोग करके यह देखा गया है कि अल्कोहल ने कुछ कुत्तों के शिश्न में बिल्कुल तनाव नहीं आने दिया तो कुछ ऐसे कुत्तों में पहली बार तनाव उत्पन्न कर दिया जो यौन दृष्टि से नपुंसक माने जाते थे। तो ये एक बार प्रयोग करके आप देख सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी बात इन द सेंस कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी अगर आप शराब को निहित मात्रा में लेते हैं तो ही बेहतर होगा, ज़्यादा मात्रा में लेना लॉस का सौदा होता है दोस्तों। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो हमें लिख करके भेज सकते हैं दोस्तों, मेल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।